हैं जी हमारे दोस्त अशांत साहब, तो इनकी हम मिल का, कपड़े की मिल का हम विज़िट करने आए थे। तो इनके ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं इनसे ये क्या हिसाब किताब है इसका। तो अशांत साहब, आपके पास मतलब कितनी मशीनें हैं टोटल? से टोटल जो नाम 20 मशीनें हैं। 20 मशीनें आपके पास, चल कितनी दिन? इस वक्त 10 चल रही हैं। अच्छा, तो क्या इनकम हो जाती है आपको इससे? इनकम का तो कुछ नहीं बता सकता कितनी हो जाती है। ठीक है, ये तो कारोबार है, इसमें जनाब 2 जमा 2 5 भी हो जाता है, 2 जमा 2 3 भी रह जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली चूँकि सूत्र की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा स्लम्प है टोना की वजह से, तो पर मीटर इसमें हमें 6 से 7 रुपये पर मीटर जो वो लॉस भी हुआ है। अभी जो माल हमने बेचा, ये जो आपको माल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा बिका हुआ और ये सारा लास्ट पे बेचा हुआ है हमने। तो क्या इससे धागा लेके आते हैं, धागा उठ बनाते हैं या क्या करते हैं? नहीं जी, धागा फैसलाबाद सूत्र मंडी से मिल लिया जाता है, वहीं पे फैसलाबाद में ही इसकी साइजिंग इंडस्ट्री में जाके इसकी कानियाँ बनती हैं। कानियाँ बन के इधर आती हैं, तो इधर फिर आके तो जो है ना इसका कपड़ा बनता है जलालपुर जेटा में, और जलालपुर जेटा में सारा रॉ ही कपड़ा प्रोड्यूस होता है, फिनिश कपड़ा नहीं प्रोड्यूस होता। सर जी, मैं देख रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट नहीं है, थोड़ा सा येलो येलो है। सर जी, इसमें केमिकल्स होते हैं ना, इसमें केमिकल होते हैं, कुछ माया वगैरह लगी होती है, ठीक है, उसकी तैयारी में, सूत्र की तैयारी में, फिर उसकी तानियों की बनावट में, तो वो सारा कुछ अभी इसके अंदर है। फिर जब ये मशीनों पर बनता है उसमें भी काफ़ी शाही माली चीज़ें कुछ लग जाती हैं, तो यहाँ से जब ये जाता है डाइंग मिलों में प्रोसेसिंग, जहाँ पर फाइनल इसको तैयार करना होता है, इसकी तैयारी होनी थी, वहाँ पे जो है इसको पहले धोया जाता है, उसके अंदर मुझसे केमिकल्स निकाले जाते हैं, फिर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक वो डाई किया जाता है, जो जो कलर उन्होंने प्रोड्यूस करवाना है वो कलर बनवाए जाते हैं, जिसने वाइट बनवाना वो वाइट बनवा लेता है। इस कपड़े का नाम क्या है? ये सिंपल केटी है जी, वॉश एंड वेयर केटी है। केटी है, ओके। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपका विजिट करके हमारे काम में। कितने चल रही थी म्यूजिक चल रहा, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं? हमारे पास इस वक्त जनाब तकरीबन 6 बंदे काम कर रहे हैं। ये थे एहसान साहब हैं, तो इनकी दौलत मार्ड है पाला स्टैंड पे, तो ये प्रोफेसर है, अपने मीर कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं, माशाल्लाह से बैंक की जॉब इन्होंने उससे छोड़ दी है, और बड़े बहुत ही आला कारकर्दगी है इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरी कपड़े की मिल भी चला रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी, एक मशीन जो है, ये अब मशीनें जो लगी हुई हैं, ये तकरीबन एस्टिमेटेड किसने किया? तकरीबन एस्टिमेटेड तकरीबन जो है ना, ये जो इस वक्त हमारे पास है ये 60 से 70 हज़ार रुपये की तकरीबन एक मशीन है। आपके पास टोटल 20 मशीनें हैं, जो 10 चल रही हैं उसमें से, तो बाकी 10 क्यों नहीं ना चलने की क्या वजह है? कारीगर का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको बताया ना, कि इस वक्त इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कैश का फ्लो नहीं है पीछे कि हम रॉ मटेरियल जो है इसके लिए परचेज कर सकें, लेबर को पे कर सकें, तो जितना हम चला सकते हैं उतना चला रहे हैं, जब थोड़े से कारोबारी हालात बेहतर होंगे तो बाकी भी इंशाल्लाह चल रहे हैं। तो ये पीछे जो जितना भी कपड़ा बना हुआ है सारा बिक गया हुआ है आपका, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस करते हैं कपड़ा आप लोग? ये अगर 20 मशीनें फुल कैपेसिटी में चले ना, तो तकरीबन जो है ना वो 5 से 6 हज़ार मीटर वीकली प्रोड्यूस हो जाता है, अगर फुल कैपेसिटी में चले, लेकिन चलती नहीं है, काम ही चल रही है, क्योंकि वही लेबर की शॉर्टेज, फाइनेंशियल इशूज़, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस भी पहले बहुत थे, वो तो हर जगह अब नहीं है, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम की वजह से या अपनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिर ज़्यादा वो फुल कैपेसिटी में बंदा नहीं चला सकता।
बड़ा कपड़ा बन रहा है यार, कपड़ा बना के अगू खड़े हो फैक्ट्री वाले बड़े बड़े, एक तो रंग रंग चाड़ के सामने दे देंगे एडा महंगा करके। जाके दसन तो डरी दे सी जद चन्निया हुंदे फ्रैक्चर जे।